ठाकुर जी, ऐसा लग रहा है जैसे हजार बिच्छू एक साथ काट रहे हो। अम्मा जी, क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे क्यों लेटी हैं? उठिए। ये चोट, ये पट्टियाँ, उठिए ना। तो कोई से कहा है? तो को मुझे फिक्र थोड़ी ना है। अम्मा जी, आप ही कल दोपहर बिना बताए मंदिर से यहाँ चली आई, फिर लौट कर भी नहीं आई। वो तो कमला जीत जी मिली, उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पर ये इतने सारे घाव एक साथ आपको हो कैसे गए? कहा है कर्मा, इतना बुरा हो रहा है तो उनके निवारण के लिए दूध चढ़ावे को कई ना दीमा। रात को अंधेरा था, कछु दिखाई ना दे रहा था। अब बीच मैदान में बबूल की झाड़ी लगी थी, बस वहीं हम गिर पड़ी। सकरा शरीर छील गया। करने तो बुराई दूर करने गई थी, लेकिन अपना ही बुरा हो गया। अम्मा जी, आपको अब रात बिरात ऐसे अकेले नहीं निकलना चाहिए, और आप यहाँ क्यों लेटी हैं? चलिए अंदर चलिए। अम्मा जी, आरती का समय हो रहा है, मुझे नहाकर मंदिर जाना होगा, आप आराम करिए। तनिक पानी तो पिला बहुरिया, अब का हर काम तो को बताना पड़ेगा। जी सत्यानाश हो राधिका का, यहाँ मुर शरीर में आटे चुभ रहे, उनको जिंदगी में कभी फूल ना मिलेंगे। देख लीजो ठाकुर जी, देख लीजो। ये बालू शाही पता है कहाँ से मंगवाई है? हम बताते, वृंदावन से आया। हाँ हाँ, तुम तो सब जानते हो, लेकिन ये जानते हो क्या कि समय बहुत कम है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अरे भैया, गद्दे कहाँ है? लोग बैठेंगे कहाँ? गद्दे नहीं लाया अभी, हम अभी अभी आते हैं। तू भी ना, और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? डांट खानी है तुम्हें भी। अरे जाओ देखो काम हुआ कि नहीं अंदर। अरे रामू काका, मैं हूँ कि नहीं? देखो इस घर में चिल्लाता रहता, रात चैन से सो नहीं सकते आप इस घर में। सुबह सुबह उठा दिया, आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या है किसकी। बड़ी बहू, प्रॉब्लम नहीं है, घर में पूजा है और तुम्हें बहुत कुछ संभालना है। मुझे? पर क्यों? क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। बड़ी बहू तो मैं हूँ दादी माँ, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ कि पूजा पाठ तुम्हें समय की बर्बादी लगता है, लेकिन इन्हीं संस्कारों से कमाए गए पुण्य हमें आड़े वक्त काम आते, समझी? God, that was heavy. But I'm sorry, दादी माँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। Excuse me. हाय हाय जीजी, हम वो कह रहे थे ना कि कुछ नहीं कह रहे थे। मृणाली, इधर आओ। बिरजू। जी भैया। बिरजू, ये डेकोरेटर की लिस्ट है, जरा चेक कर लेना। मृणाली, हम देखते हैं भैया। क्या है? पूजा की तैयारियों में दादी माँ की मदद करो। I beg your pardon? एक ही बात को बार बार दोहराना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और एक ही धमकी को बार बार देना तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम चाहती हो कि इस घर की बहू बनी रहो, तो इस घर के बहु धर्म के कर्तव्यों को चुपचाप निभाती रहो। बोलिए दादी माँ, क्या करना है?
हाँ दादी माँ, मेवा कहाँ रखवा दूँ? बड़ी बहू बताएंगी ना तुम्हें क्या करना है। अरे सुनो, तुम तो एक बात सुनो। आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्या देख रहे हो? चलो ना। देखिए ना, सब जाग चुके हैं, कितनी चहल पहल है घर पे। अरे राधिका, वो तो पूजा हो रही है इसलिए। तुम घबराओ मत, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या? किस बात पे कोई कुछ नहीं कहेगा? हाँ नहीं दादी मैम, वो बस राधिका थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि हमें नीचे आने में थोड़ी सी देर हो गई थी, इसलिए वही कह रहा था कि कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे तुम शर्मा क्या रही हो? दादी माँ से कह रहा ना। क्या? ए, रुक रुक उठ रुक, मैंने कहा। क्या कहा? दादी माँ से क्या डरना? हाँ। अरे इधर इधर। अरे दादी, हाथ नहीं है, कान है। अगर डरता नहीं है तो कल रात को कमरे के बाहर से बहू को इशारा क्यों कर रहा था? उत्तरी, आप कभी सुधरोगे नहीं। अगर हिम्मत होती ना तुझमें तो अंदर आके कहता कि दादी माँ मेरी पत्नी को रिहा कर दो। ओके नेक्स्ट टाइम, पर अभी तो छोड़ दो, सॉरी ना। आता जाता तो कुछ नहीं, खाली बड़बड़ करता है। अब वैशाली सुनो, भंडार से और अनाज निकलवा लेना। क्यों रे देव, क्या हुआ होठ पे तेरे? चोट लगी है, दवा लगवा दू? नहीं। अब दादी माँ दिया बाती कर ले। अरे बेटा, प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं होती तब तक दिया बाती नहीं कर सकते। देखा, मैंने कहा था तुमसे, हम बहुत जल्दी आ गए हैं। दादी माँ पूजा की तैयारियां कर लेती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे हाथों तो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तुम काम में हाथ मत लगाओ, हम सब है ना। लेकिन दादी माँ आप अकेले सब। अरे बेटा मैं अकेली कहाँ हूँ, वैशाली है, दीपिका है और फिर बड़ी बहू भी तो है। अच्छा तुम दोनों जाओ और जल्दी से पूजा के लिए तैयार हो जाओ। चलो। सुनिए, कल भी घर पर बात नहीं हुई है, मैं अभी बात कर लूं? ठीक है, अभी कर लेते। विशाखा का फोन होवे को। अम्मा जी आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। हेलो माँ। माँ कैसी हैं आप? राधिका। माँ बाबूजी कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है? उस दिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो परेशान है ना? नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे बाबूजी बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न है। मंदिर गए हैं। ये बहुरिया, ये का कर रही है? काहे बताए ना रही है? बता बताऊ जन्म जली को कि उनके कारण का अनर्थ भयो है, बताऊ को। राधिका बिटिया चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। छोटी बहू घर बात हो रही थी। जी दादी माँ। कैसे हैं शास्त्री जी? जी ठीक है, बस अभी माँ से बात हुई थी, घर पर सब ठीक है, ठाकुर जी की कृपा है। सारे दुख दूर हो गए हैं और अब आप देखिएगा सारी चिंताएं भी मिट जाएंगी। अच्छा चलो, तुम दोनों जल्दी से तैयार होके आओ। लो चिंता संभालो। ठाकुर जी इनकी जोड़ी बनाए रखे, कभी किसी की बुरी नजर न लगे इन्हें,
और ना ही कभी इनके आंखों में आंसू आए। खून के आंसू रोवेगी वो राधिका। काहे नहीं बताया उको कि उके कारण यहाँ का विपत्ति आन पड़ी है। जब झूठ बोलना था तब सच्चाई का चराग जलाने लगी, और अब जब सच बोलना था तो झूठी कहानियां बनाई रही। पता तो चले वो राधिका को कि उके कारण का दुख झेलना पड़ो है। पता तो चले उको कि लल्ला ने त्याग कर दियो है, त्याग कर दियो है हमरा तुमरा वो जन्म जली राधिका का भी। बोल काहे ना बताया उको, काहे ना बताया? वो इसलिए अम्मा जी कि मेरी राधिका के जीवन में सुख के क्षण बहुत मुश्किलों और बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इन सुख के क्षणों में वो किसी भी प्रकार की चिंता करे। बड़ी बहू मैं कर दूं? कर लूंगी। हाय हाय जीजी, हम कुछ मदद कर दें? और अब कोई मत पूछना, कर दूं मैं, कर लूंगी। बड़ी बहू गद्दे तो बिछा दो, नहीं तो लोग कहाँ बैठेंगे? वही करने जा रही हूँ दादी माँ। अच्छा बहू, वो जरा ठीक से बिछा दो बेटा, देखो। सांस ले रही हूँ मम्मी जी। सारी तैयारियां हो गई दादी माँ, अब मैं भी ऊपर जाकर तैयार हो जाऊं। नहीं बड़ी बहू, अभी तक सब कुछ हुआ नहीं है। पंचामृत के घड़े वो तो तुमने रखे ही नहीं है, और वो तुम्हारे सिवा और कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं, ऐसी बातों में मैं कभी मजाक करती हूँ? कभी नहीं। वो हाँ, पांच बड़े बड़े मटके, ज्यादा भारी नहीं है, यही कोई 20-20 किलो के हैं। तुम कर लोगी बेटा? मैं उठाऊंगी अकेले। देखो बड़ी बहू, अब जब पूजा की तैयारी करने का जिम्मा उठाया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा ना तुम्हें। थैंक्स मम्मी जी, दैट वाज हेल्पफुल। मन तो कर रहा है ये सारे मटके इन घर वालों के सर पर फोड़कर सबकी प्राण प्रतिष्ठा यहीं करवा दो। चाचा जी भी ऐसे में पता नहीं कहाँ चले गए, मेरी मदद करने को कोई भी नहीं है।
मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं किया जितना आज किया। बड़ी बहू यहाँ पिस रही है और छोटी बहू ऊपर ऊपर सच धज रही है। ये आंसू किस लिए? ये तो खुशी के आंसू है। जब दिल में ढेर सारी खुशियां होती है ना तो वो आंखों से छलक जाती है। तो अपनी खुशियों से कहो कि आंखों से आंसू बनकर नहीं बल्कि होठों से मुस्कान बन के छलके। आज पुरोहित परिवार में राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वो भी तुम्हारे हाथों। इस पूजा के बाद समाज में तुम्हारी मेरी पत्नी के रूप में भी प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके बाद जिन जिन लोगों ने तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल उठाए थे उन सबको जवाब मिल जाएगा। चलो अब सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, चलते हैं। इतना बड़ा काम शुरू करने से पहले मैं अपने भगवान का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अब चलें। एक और भगवान है जिनका मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ये किसकी तस्वीर है? मेरे जीवन में इनका स्थान सबसे ऊंचा है। पैदा करने वाले ने तो त्याग दिया था लेकिन इन्होंने मुझे पाला है, मुझे अपना नाम दिया है। बाबूजी ने मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर अपना आंगन दिया है और माँ ने अपनी सगी बेटी की खुशियों की परवाह किए बिना मुझे जीवन की हर खुशी दी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी पत्नी, इस घर की छोटी बहू और एक सम्मानित राजपुरोहिताइन, सब इन्हीं की देन है। मैं कान्हा से प्रार्थना करूंगी कि ये हमेशा सुखी रहे, इनका मान सम्मान हमेशा बना रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि श्रीमन्नारायण श्रीगोविंदाय नमो नमः। अब दाहिना हाथ दीजिए। तेन बंधो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन तान वंदामि रक्षे माचल माचल श्रीमन्नारायण श्रीगोविंदाय नमो नमः। अरे हाँ दीपिका, अर्जुन से बात हुई ना? क्या कहा, कब आ रहा है वो? ताई जी, वो बनारस वाले मठ से तो निकल चुके हैं, अब यहाँ कब पहुँचेंगे ये मैं नहीं कह सकती। अब भगवान के ऊपर से वस्त्र हटाइए। श्रीमद पंकज पिष्टरो हरिहरो वायुर्मेन्द्रो अनलश्चंद्रो भास्कर वित्त पारुणा प्रेताद्पाद्याग्रह प्रद्युन्मोनल कुबरो सुरगत चिंतामणि कौस्तुभ स्वामी सागद्र लांगद्र कुरवंतु मंगलम गौरी श्री कुलदेवता च शुभगा भूमि पूर्णा शुभाशावित्री चरवंतु मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि श्रीमन्नारायण नमः। मनोजमं मारुतिलवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिं तां वरिष्ठं वदात्मजं मानिरुत्मकं श्यामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमतिपाटनां काञ्जनादिग्मनिग्रहं पारिजातमूलश्रं भावयामि पवमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत् किं स्काञ्जलिम्। ॐ त्रिस्वस्तिना इन्द्रो बृहदश्वाहा श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अब श्याम मणि लाइए। श्याम मणि? क्षमा कीजिए पंडित जी, मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गया। दरअसल इतनी जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की बात तय हुई कि मैं बिल्कुल भूल गई। पर अब बहुत देर हो चुकी है। आप ही कहना चाह रहे हैं कि अगर श्याम मणि नहीं होगी तो पूजा नहीं हो सकती है ना? पूजा तो होगी सुशील बाबू, पर संपन्न नहीं, खंडित मानी जाएगी। नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहिए। श्याम मणि के न होने से
अगर अगर पूजा खंडित हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा।